नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की, उस पर आएंगे। लेकिन इससे पहले रिफत साहब, आप मुझे ये बताइए कि रेमंड डेविस के हवाले से ये तो बात सामने आ गई, अयाज साहब ने कहा कि ये भोलापन है, यू नो अंडर कवर एजेंट्स हर एम्बेसी में होते हैं। अच्छा, एक और जो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर ये अयाज कि अगर ये जो एजेंसीज ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने बाहर तस्वीर वगैरह दी हैं कि ये इसने डिफेंस जो थे इंस्टॉलेशंस पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के, वहाँ तस्वीरें वगैरह लिए पाकिस्तान की अपनी जो भी आर्मी बैरिक्स वगैरह के लिए, तो वो अमरीकनों का ये कहना है कि अगर इनके पास ये थी इंफॉर्मेशन पहले, तो ये पहले जाके इन्होंने शिकायत क्यों नहीं लगा दी अमरीकन एम्बेसी से कि आपका सो कॉल्ड है बंदा, डिप्लोमेट है जो भी है, एंड ये इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस है, तो अमरीकन जायज बात कर रहे हैं? नहीं, अमरीकी जायज बात नहीं कर रहे हैं। देखिए नसीम, जायज बात नहीं कर रहे जी, जायज बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जो आपका डिप्लोमेटिक जो कवर है उसके तहत आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि जिससे उस मुल्क की सिक्योरिटी, सबवर्जन, एस्पियोनाज, उसके हवाले पे बहुत दफा आपने देखा होगा कि लोगों को डिप्लोमेटिक स्टेटस होने के बावजूद भी उनको पर्साना नॉन ग्राटा करार देके अमेरिकन कह रहे हैं आपके पास तस्वीर पहले थी। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बात यह है कि अगर इस शख्स ने डिप्लोमेटिक कवर को इस्तेमाल किया है कोई ऐसी चीज करने के लिए जो कि पाकिस्तानी रियासत या हमारी सलामती को खतरे में डाल सकती है, तो हमें इसके ऊपर चेक रखना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं हमें बताया क्यों नहीं पहले आपने? देखिए नहीं, देखिए ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि तस्वीर आपके पास थी पहले। देखिए आपका ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर इस कैमरे से नहीं निकली? ना ना, वो नहीं, वो तो बड़ा सिंपल सवाल है। वो कह रहे हैं कि जी आपको, आप इसको फॉलो कर रहे थे, आपको पता चल गया था ये एजेंट है, बिकॉज अब जो तस्वीरें निकाली हैं उसी दिन की तो नहीं है, पहले से रेकॉर्ड है हमारी एजेंसी के पास। वो कह रहे हैं आपके पास रेकॉर्ड था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया गया? ये जब कोई इस किस्म का शख्स इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस उसको फॉरन नहीं पिकअप करती है, उसके ऊपर वॉच रखती है, उससे पता लगाती अच्छा, है कि कौन से लोकल कॉन्टैक्ट है, फॉरन पिकअप कर लेने तो से उनको तो उनको मिलते हैं, लीड्स मिलती हैं। जैसे मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं काजमी साहब इनकी बात को आगे बढ़ाते ही कहूंगा, देखिए जिन दो मासूम शहरियों की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू आल्सो फोकस ऑन देम। तीसरा भी तो, तीसरा तो खैर एक वो पासर भाई था ना जिसको हिट किया गया, लेकिन जो दो लोग शख्स मारे गए हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल, मैं एक स्पेकुलेट कर रहा हूँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो सिक्योरिटी डिटेल हो, वो वही डोमेस्टिक इंटेलिजेंस उसको ट्रैक कर रही हो, और जो उन्होंने कहा कि जी उसको रॉब करने की कोशिश की गई, मे बी दे वर ट्राइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम और इवन गेट होल्ड ऑफ द गैजेट्स दैट ही वाज यूजिंग। तो उसके बाद में जो था कि ये सारी चीज ट्रिगर हो गई है। इसेंशियल बात वो ये है कि अमरीका का एटीट्यूड इसके बारे में इतना सख्त क्यों है? मेरा ख्याल ये है कि अमरीकियों को खदशा ये है कि एक, जब अगर इस शख्स के ऊपर ये, अगर इसको फौरी तौर पर रिहा नहीं किया गया, इसका यहाँ पर ट्रायल हुआ तो पूरी दुनिया में एक तो प्रेसिडेंट बन जाएगी, दूसरी बात है कि अमरीकियों की एक बड़ी वाजिब पोजीशन है, वो ये चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी वो अपने शहरियों के ट्रायल के हवाले से बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर यहाँ पे उसका ट्रायल होता है या फौरी तौर पे अगर उसकी वो बाजियाबी नहीं कर पाते हैं तो एक बड़ी जो था कि एक बड़ी गलत एक प्रेसिडेंट हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया में जो अमरीका के जिस किस्म के ऑपरेशन है वो जेपरडाइज हो सकते हैं। मैं उनका पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं आपको उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन फंडामेंटल चीज ये है कि अगर उसको डिप्लोमेटिक कवर के तहत इस किस्म की सबवर्जन के लिए यहाँ पे भेजा गया था तो ये हमारी नाअहली है। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हमारे ऊपर ये बात नहीं, सब कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कवर मिला ही नहीं। नहीं 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 नहीं, देखिए आप तो कह रहे हैं नहीं मिला, वो है डिप्लोमेटिक स्टेटस की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक कवर के तहत वो चीज ग्रे जोन में ऑपरेट कर रहा था। आज आप कह रहे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे, मैं बसद अदब कहूंगा कि अगर इस मसले के लिए जो एक बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए, हमारा इतना डिफेंसिव रवैया जो है अभी भी ओपन एंड शट है, अब भी ओपन एंड शट है जी, मर्डर केस है, जुडिशियल जुडिशियल उस पर वो एक ट्रायल हो रहा है, तो और उसमें क्या मसला रह गया? वहां पे हमें बिल्कुल फर्मली कहना चाहिए, हमारा डिग्निफाइड स्टैंड होना चाहिए, हमारा फर्म स्टैंड होना चाहिए, और उसके लिए हमें कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज और एक इत्तफाके राय और कंसेंसस पैदा करने के लिए ऐसे मसले के लिए हम अपने आप को डिमीन और डिमिनिश, हम अपने छोटा अपने आप को और छोटा हम करेंगे कि इस मसले के लिए हम एक सियासी सपोर्ट जो है हमें दरकार है, ऐसे करना नहीं। जो भी फैसला करना है, देखिए अभी तो उनकी एक स्पोक्स पर्सन ने, उनकी मिनिस्टर ने कह दिया
कि ये मेन इशू जो है वो इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन चली गई, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया चले जो भी है, लेकिन वो कह गई हैं उन रिकॉर्ड कह गई हैं। अब ये तो मेरा मतलब है आपके पास मौजूद है कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रेमंड डेविस के लिए हो रहा है, और ये अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इनको इस मसले पर पोलिटिकली पब्लिकली ये सियासी पार्टियाँ इनको हमायत दे देंगी, ये कभी नहीं देंगी। सो फैसला जो है इतना आसान नहीं है, ये अंदर जो कुछ मर्जी कहें अंदर की बात बाहर आ जाती है। आज ये महफूज रखना कि किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये छुपाया नहीं जा सकता। मौलाना साहब आपका क्या ख्याल है, आपकी पार्टी का गोलमेज कॉन्फ्रेंस इस इशू पे होनी चाहिए? अभी आपने फरमाया था कि अगर सबसे लेनी है एक सपोर्ट, कह रहा था कि गवर्नमेंट जिस तर्ज पे जिस तरह मोहतरमा ने कहा कि उसका मेन इशू ये होगा, मैं अयाज मीर साहब की बड़ी कदर करता हूँ, बड़े अच्छे बुजुर्ग रहनुमा हैं हमारे, लेकिन गुजारिश ये करनी है कि जिस किसी पार्टी में इस वक्त ये ताकत है कि वो ये कह सके कि हम नहीं आते इस इशू पर, आपसे बात ही नहीं करते। किसको कहें, इस इशू पर जरदारी साहब को या अमेरिका को या अमेरिका को कह सकें? आपकी सियासत सारी अमेरिका के कहने पर हो रही है, इसका मतलब आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, नहीं हम जाए या ना जाए वो अलग बात है, गोलमेज अगर हुई पार्टी पार्टी जाए या ना जाए ये अलग इशू है, लेकिन इस वक्त जो इशू है वो इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि आपको एज ए पाकिस्तानी आपकी गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल हम इसी गुफ्तगू को जारी रहेंगे, यही हमारे साथ शुरका होंगे, और कल हम बात ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो जो सूरत हाल पैदा हुई भले से हुई, लेकिन अमरीका का जो एक रवैया है, अमरीका का जो तौर तरीका है वो क्यों ऐसे है, और कल के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे, इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि इस मसले का जो इतना पेचीदा मसला है उसका हल क्या है। अयाज साहब का ख्याल है कि पेचीदा नहीं है, बट बहरहाल कल इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।